हेलो गाइज, सत श्री अकाल। मैं हूँ विजय कुजूर और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। कब्जा के बारे में बोलना चाहूँगा मैं। कब्जा दो प्रकार का होता है, एक होता है अवैध कब्जा और दूसरा होता है आपका प्रतिकूल कब्जा। अवैध कब्जा वो चीज़ होता है अगर आप किसी के प्रॉपर्टी में रहते हैं, किसी के ज़मीन में रहते हैं और उस ज़मीन पे आप घर बना लिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पूरा डॉक्यूमेंट चेंज कर लिए और उस घर में आप इलेक्ट्रिसिटी घुसा लिए, तो आपका पूर्ण रूप से अधिकार होता है। अवैध कब्जा ये चीज़ है और प्रतिकूल कब्जा के बारे में अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर आप किसी सरकारी ज़मीन में रहते हैं, किसके ज़मीन, सरकार के ज़मीन में रहते हैं, तो उस सरकार के ज़मीन में आप घर बना लिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पूरा डॉक्यूमेंट, वोटर कार्ड, पूरा डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया और उस घर में आप इलेक्ट्रिसिटी घुसा लिए और इलेक्ट्रिसिटी घुसाने के बाद में आप पूरे 30 साल रहते हैं, तो आपको उस ज़मीन पे पूर्ण रूप से अधिकार होता है। आर्टिकल 5 के तहत ये चीज लागू कर चुका है।